मोटे वेवी बाल सिर्फ सुंदर ही नहीं पर बहुत अनकंफर्टेबल भी होते हैं। कोई मेरी मदद करो, मैं इन्हें कैसे सुलझाऊं? चेस पर रिलैक्स करना कितना अच्छा लगता है, पर ये धूप बहुत तेज है। मैं इससे कैसे छिपूं? क्रिस्टी, क्या तुम ठीक हो? शायद अब हमें छाया में जाना चाहिए। बालों का वाइजर कैसा रहेगा? ये काम नहीं करेगा। मेरे पास एक आइडिया है। हे, तुम कहाँ जा रही हो? कार्डबोर्ड? तुम्हें ये क्यों चाहिए? देखो और सीखो। कार्डबोर्ड के टुकड़े से एक फैंसी हेड बन सकती है। ये स्टाइल कैसा लगा? वाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या कर रही है? अगर छाया लॉरी तक नहीं पहुंच सकती तो क्या हुआ? लॉरी अपनी चेयर को वहाँ तक ले जाएगी। मुझे बहुत आराम मिल रहा है। इन बढ़िया बालों का शुक्रिया। वॉल्यूम क्यों नहीं है? मेरे पास ज्यादा बाल नहीं है, शायद उल्टा कॉम करके काम बन जाए। हाँ, काश तुम्हारे जैसे बाल मेरे होते। देखो, मुझे लगता है कि हो गया। कितने घने लग रहे हैं। हाँ, हमेशा यही होता है। मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है, उदास मत हो। क्रिस्टी जानती है कि क्या करना चाहिए। तुम्हें बलून की जरूरत है, इसे फुलाओ और बालों पर रब करो। रब करने से बाल घने लगेंगे, इससे काम बन जाएगा। बोला, कैसा लग रहा है? ओप्स, बहुत अच्छा, ये प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। हालांकि लॉरी खुश नजर आ रही है। लंबे बालों का सैलून ट्रीटमेंट चाहिए होता है। वाह, इतने सारे बाल। हेयर ड्रेसर के लिए ऐसे बाल मुसीबत जैसे हैं। मैं इनके साथ क्या कर सकती हूँ? मुझे फैशनेबल दिखना है। खैर, चलो कोशिश करते हैं। कुछ कलर से शुरू करते हैं। मैं तो थक गई। पतले बालों वाली लॉरी की तो अलग ही कहानी है, वो तो खास कस्टमर है। बस कुछ कर्लर्स और वो तैयार है। क्रिस्टी के बालों का काम तो अभी तक चल रहा है और उसकी दोस्त तो फ्री भी हो गई। पतले बालों में 2 मिनट ही लगते हैं। शुक्रिया, चेंज रख लेना। चेंज किस लिए? हाँ, वैसे तुम पतले बालों से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, पर तुम अपने पार्टनर का साथ दे सकते हो। क्रिस्टी के बाल भी हार नहीं मानने वाले। मैं थक गई, ये मुश्किल है। मुझे मोटे बालों से नफरत है। क्यों ना, लगता है स्टाइलिस्ट ने कोई तरीका ढूंढ लिया। क्यों ना हम ये कर दे, ये बढ़िया लग रहा है। ये अच्छा हेयर स्टाइल है, पर क्रिस्टी को ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। हे, ये अजीब सा वो कैसा है? तुमने क्या उम्मीद की थी? सैलून में घने बाल हमेशा सुंदर नहीं बनते, पर टाइम और पैसे जरूर लग जाते हैं। ओह हाँ, मुझे अपने जॉब में यही चीज अच्छी लगती है। डेट का वो अजीब सा पल, मुझे लगता है कि पहली किस होने वाली है। वो अपने हाथों से उसके बाल छूता है और लगता है ये फंस गए। हे, छोड़ो। ओह, अंदर कुछ तो है। ब्रश, ये यहाँ कहाँ से आया? ओह हाँ, इन बालों में पूरा स्टोर रूम है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक और कॉम, ये क्या है? वाओ, तो ये मुर्गी यहाँ थी। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, कॉम्स की पूरी कलेक्शन, बाइसाइकल। वाओ, इसमें तो बहुत कुछ फंसा हुआ है। टैक्सी साइन, पर कैसे? हाँ, ये काफी शर्मनाक है। पूल का पहला रूल, हमेशा स्विम कैप पहने। ओह, मैं गर्मी से परेशान हो चुकी हूँ। पानी बढ़िया है। क्रिस्टी भी तैरने के मूड में है। नहीं, स्विम कैप के बिना नहीं। उसे पहनो और फिर तुम अंदर जा सकती हो। इनके हिसाब से तो ये काफी आसान है। इस छोटी सी चीज में इतने सारे बाल। शार्क कैप कैसी रहेगी? नहीं, इससे भी काम नहीं बनेगा। अब सिर्फ एक ही चीज काम आ सकती है, प्लास्टिक बैग। तुम्हें मीडियम चाहिए या लार्ज वाला? ये फनी है, पर गंजे होने से अच्छा सर पर ये बैग ज्यादा बेहतर रहेगा। अब सोने का समय है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। लड़कियाँ जल्दी से सो जाती हैं। 2 लोगों के लिए एक कंबल हमेशा बुरा आइडिया होता है। बेचारी लॉरी, वो ठंड से मर जाएगी। वैसे नहीं, जब तक उसकी बेस्टी उसके साथ है और उसके बाल, वो भी कंबल के जितने गर्म है। उलझे हुए बाल,
दिक्कत नहीं, पतले बालों में कोई दिक्कत नहीं होती। कॉम से ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक, दो और तैयार है, बाल सेट हो गए। बढ़िया। पर बदकिस्मती से घने बालों पर ये ट्रिक काम नहीं करती, मुझे तुम पर विश्वास है। ओह नहीं, ये तो फंस गया। शायद तुमसे हो जाए, पर ब्रशेस से ये काम नहीं बन रहा। ओह नहीं, ये वाला भी टूट गया। तुम मजबूत हो ब्रश, तुम ये कर सकते हो। ओह नहीं, मैं अपने बालों को कैसे ठीक करूं? पूल सिर्फ तैरने के लिए नहीं होता, ये सेल्फीज लेने के लिए भी बढ़िया जगह है। हे, मेरी भी एक फोटो ले लो, फैंसी तरीके में पानी से बाहर आते हुए। बढ़िया शॉट है। मेरी बारी। गीले बाल अच्छे लगते हैं, जब तक वो तुम्हें पानी के अंदर न खींचे। हाँ, घने बालों के साथ यही होता है। बचाओ, मैं डूब रही हूँ। लंच टाइम बातों और खाना खाने के लिए होता है। ये रहा आपका खाना, दिखने में तो बढ़िया है और इसका स्वाद और भी अच्छा है। ये स्वादिष्ट है। ईयू, क्रिस्टी को ये पसंद नहीं आया। क्या ये बाल है? ये अजीब है। वेटर, ओह, ये तो शर्म की बात है, ये बहुत गलत है। ये यहाँ कैसे आया? सच में ये तुम्हारे बाल हैं। ये तो अजीब है, जब तुम्हारे पास बहुत सारे बाल हो वो कहीं भी घुस जाते हैं। बहुत शर्मनाक है। अगर तुम क्लास में सुंदर दिखोगे तो तुम्हें जरूर अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, ये सभी को पता है। ओह, बस कुछ बाल टूट गए। तो क्या हुआ? क्लास का समय है। वो हो डॉग, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये तो मेरे बालों का ढेर है। कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं डर रही थी। और जब आपके बाल पतले हो तब एक एक बाल बहुत कीमती होता है। क्या? इसमें तो बहुत सारे बाल हैं। ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ क्या है? टेप। बढ़िया, तो अब मैं एक्सटेंशन बनाऊंगी। मैं अब और बाल नहीं खो सकती। टेप लगाओ, चिपकाओ और सांस मत लेना ताकि वो गिर ना जाए। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ये वो दिन है जब तुम्हें एक अच्छे हेयर कट की जरूरत होती है, और अगर ये काम नहीं करता तो दिक्कत हो जाती है। शायद मुझे कोई और हेयर क्लिप लगानी चाहिए। माफ करना, पर पतले बालों पर कुछ नहीं टिकता। खैर, मेरे हिसाब से क्लॉ क्लिप तो जरूर लग जाएगा। शायद से हो गया। बुरी खबर, बेचारी लोरी, ये सही नहीं है। ये इतने पतले क्यों हैं? ओह, ये इतना चिल्ला क्यों नहीं है? मुझे भी इसी की चिंता है। वैसे अब अपने बाल बनाने का समय है। ओप्स, क्या ये टूट गया? अब कुछ और करना होगा, कुछ सिंपल। नहीं नहीं नहीं, आम क्लिप तुम्हारे लिए नहीं है, समझी? ओह हाँ, चलो बालो, रुको। बेल्ट, हाँ, तुम्हें जितने बालों के लिए यही चाहिए होगा। ये सही में बहुत अच्छी लग रही है। स्कूल में सबसे डरावनी चीज सरप्राइज टेस्ट होता है, खासकर जब तुमने कुछ पीना पड़ा हो। लड़कियों, तुम्हें जवाब पता है? नहीं, ले, हमने कुछ भी नहीं पड़ा। मुझे पता है कि मेरे क्या काम आएगा, मेरे शानदार बाल। बाल? सच में? ओह, मैं समझ गई। क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? ना, कैसे कह सकती हूँ, बस ध्यान रखना। लगता है ये काम कर रहा है। हे भगवान, बस बाहर से देखने में ये लाइफ है बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, यहाँ तक कि टीचर ने भी देख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों को एफ मिलेगा। ओह, पर कितना बढ़िया प्लान था। हाँ जरूर, ले को भी ऐसा ही लगता है। कितनी अच्छी सुबह है, वैसे गंदे बालों के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे इन्हें अभी साफ करना होगा। बाल धोना काफी आसान है, पर उन्हें सुखाना मुश्किल हो सकता है। हेयर ड्रायर भी ओवरहीट हो गया। शायद से मुझे फैन ट्राई करके देखना चाहिए। बदकिस्मती से ये भी काम नहीं करता। तुम बस समय बर्बाद कर रही हो। हे, तुम क्या कर रही हो? इंतजार करो,
मैं अभी वापस आती हूँ। ब्लोअर, ये जरूर काम कर जाएगा। सच में वो ये काफी ताकतवर है, पर अब तुम खुद करो, मैं थोड़ा थक गई हूँ। हाँ ये काफी मुश्किल है, पर ये काम कर रहा है। ये आखिरकार मेरे बाल सूख गए। क्या रात भी हो गई? हमेशा यही होता है, अब सोने का समय है। पतले बालों वाली लड़कियों को ये दिक्कत नहीं होती, बस अपना सर हिलाओ और बाल सूख जाते हैं। ये बढ़िया है ना? क्या आपको पतले और घने बालों के स्केचेस पसंद आए? आप किसके साथ रिलेट करते हो, हमें इस बारे में कमेंट्स में बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। ट्रुम ट्रुम सिलेक्ट पर रोजाना की दिक्कतों के मजेदार स्केचेस मिस ना करें।